नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से हो जाइए तैयार क्योंकि आज हम आप लोग के लिए लेकर गए हैं काफ़ी शानदार कार, जिस गाड़ी का दोस्तों आप लोग को इंतज़ार था। जी हाँ, लेकर गए हैं टाटा नैनो ईवी। काफ़ी कमाल के प्राइस में होने वाली है वीडियो, सो जिनको भी नैनो चाहिए था इलेक्ट्रिक में वो लोग दोस्तों देख सकते हैं पूरे वीडियोज़ को। रही बात कॉन्टैक्ट नंबर को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनको पता नहीं चलता ऑनर के कॉन्टैक्ट नंबर के बारे में कहाँ पर दिया जाता है, तो दोस्तों ऑनर के कॉन्टैक्ट नंबर को या तो मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूँगा या फिर आपको वीडियो के बीच में दे दूंगा। सो आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो गाड़ी का हम लुक देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में या फिर अदर जो भी डिटेल्स होगा उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको हेडलाइट्स के बारे में बता दूं दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर आपको नॉर्मल हैलोजन वाली हेडलाइट्स देखने को मिलती हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। बात कर ले प्रोजेक्टर की तो गाड़ी के अंदर कोई प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ साइड इंडिकेटर के बारे में बताऊँ तो गाड़ी का हेडलाइट्स में आपको साइड इंडिकेटर मिल जाता है और एक नॉर्मल सा पार्किंग लाइट मिल जाएगा। वहीं बात करें फॉग लैंप की तो जी हाँ, गाड़ी के अंदर आपको फॉग लैंप भी लगी हुई देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ गाड़ी का जो नंबर है वो आपको ग्रीन कलर का देखने को मिलता है, वो इसलिए क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती है दोस्तों सारी की सारी ग्रीन कलर की नंबर प्लेट में आपको मिलेगी, ईवी की साफ साफ निशानियों होती है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो गाड़ी है केएल नंबर आप देख रहे हैं, वैसे मैं आपको बता दूँ नैनो हमारे पास एक नहीं दो तीन तरीके से अवेलेबल है। एक तो आप सबसे ब्रांड न्यू मतलब जैसे शोरूम में आप कोई भी कंपनी की गाड़ी हो चाहे पेट्रोल और डीजल आप लेने जाते हो तो उस तरीके से आप नैनो को ले सकते हैं ईवी में, या फिर अगर आप चाहें सेकंड हैंड ईवी लेना तो वो भी आप ले सकते हैं। तो दोनों अवेलेबल है, आप कोई भी बाई कर सकते हैं। तो इस गाड़ी का नंबर प्लेट आपको केएल में देखने को मिल जाता है और नया लेना चाहें तो आप नया भी ले सकते हैं, डीएल में भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। साथ ही साथ फॉग लैंप तो आपको मिल ही जाता है और बम्पर ग्रिल काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। फ्रंट में आपको सिंगल वाइपर इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। वहीं साइड लुक की बात करें तो साइड लुक भी काफ़ी कमाल का दोस्तों आपको मिल जाएगा। गाड़ी के अंदर लगी हुई है एलॉयज, वैसे तो अगर आप एलॉय लेना चाहें तो एलॉय वाले भी ले सकते हैं क्योंकि एलॉय टॉप मॉडल आपको मिल जाएगा, और अगर बेस मॉडल पर जाते हो तो बेस मॉडल में आपको नॉर्मल जो बेसिक होता है टायर वही आपको मिलेगा। उसमें आपको सिंपल सा प्लास्टिक का जो होता है व्हील कैप्स लगा वो आपको मिल जाएगा। टायर कंडीशन की बात करें तो टायर कंडीशन काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा इस गाड़ी का। वैसे तो ये सेकेंड हैंड गाड़ी सेल हो रही है, सो इस गाड़ी का आपको टायर कंडीशन देखने को मिल जाएगा 60-70% के आसपास। 60-70% के आसपास टायर की जो लाइफ है वो अभी बची हुई है, तो आप जब भी कोई सेकेंड हैंड गाड़ी लेने का प्लान करें या फिर लेने वाले हो तो कोशिश यही करें 50% प्लस ही टायर कंडीशन वाला गाड़ी ले, ताकि दोस्तों आपको टायर तुरंत भर में चेंज कराने की ज़रूरत ना पड़े गाड़ी लेने के बाद। चलिए बात कर लेते हैं इस गाड़ी के ओआरवीएम की। तो जैसा कि अभी के गाड़ी का आप ओआरवीएम देख रहे हैं ऑटो फोल्डेबल होता है या फिर इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल होता है, बट इसमें दोस्तों ऐसा आपको कोई भी सीन देखने को नहीं मिलेगा, ये सब आपको कोई भी फीचर्स नहीं मिलेगा। नॉर्मल सा आपको मिरर जो होता है वही मिलेगा, मैनुअल आपका एडजस्टेबल इसमें रहेगा और ऑटो फोल्डेबल का ऑप्शन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। और टायर साइज़ की बात करें तो 12 इंचेस का इसमें आपको व्हील साइज़ देखने को मिल जाता है, जो कि इस गाड़ी के लिए बिल्कुल दोस्तों अच्छा है, कोई ना ज़्यादा बड़ा है और ना ही ज़्यादा छोटा है। तो 12 इंचेस का टायर साइज़ मिल जा रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एसी वैसी की बात करें तो एसी काफ़ी कमाल का इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इंटीरियर का बताऊँ तो अंदर में आपको 4 एसी विंड्स दोस्तों देखने को मिल जाएगा, इसमें अंदर में 4 एसी विंड मिल जाएगा। फ्रंट में आपको बहुत बड़ा ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस, और इतना ही नहीं ग्लव बॉक्स जो आपको लॉकिंग सिस्टम वाला देखने को मिल जाएगा, सो ग्लव बॉक्स आपका लॉक भी हो सकता है। साथ ही साथ आपको फ्रंट में 2 स्पीकर्स मिल जाएंगे ग्लव बॉक्स पे, और 2 स्पीकर्स गाड़ी के अंदर आपको पीछे बूट में देखने को मिल जाते हैं। और डोर की बात करें तो डोर के ऊपर आपको कोई भी बॉटल होल्डर देखने को नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ आपका जो स्पीकर है उसका भी आपको एक भी फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ इंटीरियर में बताऊँ इसका जो स्पीडोमीटर होता है वो आपको डिजिटली देखने को मिलता है, वही अगर आप पहले का नैनो या फिर बेस मॉडल या पेट्रोल वेरिएंट नैनो लेने जाएंगे तो उसमें आपको मैनुअल देखने को मिलता है स्पीडोमीटर पर, बट इसमें आपको डिजिटली देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो गाड़ी के अंदर आपको 7 इंचेस का TFT टच स्क्रीन डिस्प्ले वाला म्यूजिक सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा पार्किंग कैमरा सेंसर के साथ। और स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग तो फिलहाल नॉर्मल आपको देखने को मिलता है, कोई भी इसमें आपको स्टेयरिंग के ऊपर कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलेंगे, मीडिया कंट्रोल्स कॉलिंग्स कंट्रोल्स ये सब आपको नहीं मिलता है। और पावर स्टेयरिंग की बात करें तो जी हाँ, गाड़ी के अंदर आपको पावर स्टेयरिंग जरूर से ज़रूर देखने को मिल जाता है। वहीं पावर विंडोज़ की बात करें तो चारों के चारों विंडोज़ में से एक में भी आपको पावर विंडोज़ जो होता है ये आपको फीचर्स देखने को नहीं मिलने वाला है। और पीछे से इस गाड़ी का लुक बताऊं तो पीछे से भी काफ़ी कमाल का इस गाड़ी का आपको लुक मिलने वाला है। पीछे से जो बूट ओपन करने का फीचर्स होता है वो आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है, जैसा कि हम नैनो का कोई भी बेस वेरियंट लेने जाते थे तो उसमें आपको बूट ओपन करने का फीचर्स देखने को नहीं मिलता था। पर ईवी है और ईवी के अंदर बूट ओपन करने का फीचर्स मिल रहा है तो फिर क्या ही चाहिए दोस्तों। और इंजन की बात करें तो गाड़ी का जो इंजन है वो आपको पीछे में ही मिलने वाला है और आगे
सेम एक सिंपल सा स्टेपनी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ पीछे में टेन लाइट्स की बात करें तो टेन लाइट्स नॉर्मल जो बल्ब वाली आती है वही आपको मिलेगी, इसमें कोई भी आपको LED टेन लाइट्स जो होती हैं वो आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। और चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग दोस्तों ये गाड़ी आप आगे में लगा सकते हैं, आपका जो बोनट है उसके नीचे आपको स्टेपनी मिल जाएगा और स्टेपनी के जस्ट बगल में आपको चार्जिंग सॉकेट जो होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको चार्जिंग अगर लगाना हो तो आप वहीं पर लगा सकते हैं, उसके अलावा आपको बाहर में कोई भी जगह देखने को नहीं मिलेगा इसमें चार्जिंग लगाने का। बात करें इस गाड़ी के मॉडल की तो टाटा नैनो, वैसे तो इस गाड़ी का रियल नाम है नियो, ठीक है, जैम्बा नियो। तो जैम्बा नियो 2021 मॉडल आप देख रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार। किलोमीटर बताऊँ कितना किलोमीटर चला है तो गाड़ी चली हुई है सिर्फ और सिर्फ 15,000 किलोमीटर, जी हाँ बहुत ही कम चली है। ऑटोमेटिक गियर इसमें मिल जाएगा और गियर दोस्तों आपको लेदर का देखने को मिल जाएगा पूरा का पूरा, और नीचे में आपको क्रोम की फिनिशिंग मिल जाएगी। और वहीं गियर मोड्स की बात करें तो गियर मोड्स आपको जो स्पोर्ट्स कार होती हैं उनकी तरह आपको स्पोर्ट्स मोड, ये सब जो अलग अलग मोड्स होते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मल आपको ड्राइव मोड हो गया, रिवर्स मोड हो गया, यही दो तीन मोड देखने को मिलने वाले हैं। और ऑनरशिप मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको गाड़ी के इंजन का डिटेल्स बता देना चाहता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बता दूँ इस गाड़ी के पावर के बारे में, तो दोस्तों इस गाड़ी का इंजन आपको 27 BHP का पावर जनरेट करके देती है। वहीं बात करें मैक्सिमम टॉर्क की तो 68 Nm का आपको इस गाड़ी का टॉर्क भी देखने को मिल जाता है, जो कि इस गाड़ी के हिसाब से बिल्कुल इनफ है। वहीं मोटर की बात करें, कौन सी मोटर इस गाड़ी के अंदर लगी है, तो इस गाड़ी के अंदर दोस्तों आपको इंडक्शन मोटर देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें बैटरी टाइप की, तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको लिथियम आयन की बैटरी देखने को मिलती है। और बैटरी कैपेसिटी मैं आपको बताऊं तो गाड़ी के हिसाब से दोस्तों 17 kWh का आपको इसमें बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और वहीं बैटरी वोल्टेज की बात करें तो 48 V इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। साथ ही साथ बात करें ड्राइवर लेआउट का, यानी कि रियल व्हील ड्राइव है या फिर फोर व्हील ड्राइव, क्या ड्राइव है, तो दोस्तों ये गाड़ी आपको रियल व्हील ड्राइव देखने को मिल जाएगा। और गियर बॉक्स की बात करें तो इस गाड़ी का गियर बॉक्स आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। 0 to 40 का स्पीड कितने देर में पकड़ता है चलिए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 0 to 40 का स्पीड ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 5.8 सेकेंड में पकड़ लेती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वही बात करें दोस्तों चार्जिंग के बारे में, मतलब एक चार्ज पे कितना देर गाड़ी चल सकती है और चार्ज कितना देर गाड़ी को लगाना पड़ेगा फुल करने के लिए, तो दोस्तों 4 घंटे चार्ज लगाने पे गाड़ी जो आपका फुल चार्ज हो जाएगा। और किलोमीटर की बात करें तो 140 किलोमीटर आप बहुत आराम से इस गाड़ी को भगा सकते हैं एक चार्ज पर, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेंज दिया गया है इस गाड़ी का। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इस गाड़ी के ऑनरशिप के बारे में, कौन सा ऑनर गाड़ी है। तो गाड़ी है दोस्तों फर्स्ट ऑनर, आप जब इस गाड़ी को लेंगे तो आप बन जाएंगे इस गाड़ी का सेकेंड ऑनर। और वहीं प्राइसिंग की बात करें तो गाड़ी का प्राइस रखा गया है 4 लाख रुपए, जी हाँ 4 लाख रुपए लाए और गाड़ी ले करके जाए। और रही बात EMI की, तो जी हाँ EMI पे भी आप ले सकते हैं, डिस्प्ले पे आपको देखने को मिला होगा डाउन पेमेंट, वो आप डाउन पेमेंट करके इस गाड़ी को आप अपना बना सकते हैं। बात करें कॉन्टैक्ट नंबर की तो ऑनर का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले पे दिया गया है, नंबर पे आप कॉल करके ऑनर से बात करिए, गाड़ी देखिए जा करके पसंद आए तो आप उस गाड़ी को ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ।